नमस्कार, प्रभा साक्षी के बेहद ही खास कार्यक्रम चुनावी खुराक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ ही शिकायतों की भरमार लगा दी है समाजवादी पार्टी ने। कई जगह पर ईवीएम के खराबी की भी खबरें सामने आई, वहीं पर भाजपा ने रालोद प्रमुख के वोट ना देने को भी मुद्दा बनाया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंकित सिंह। अंकित, क्या कुछ हो रहा है? लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, पहले चरण के लिए मतदान हो रहे हैं और लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो रहा है। 11 जिलों के 58 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग की ओर से कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये मतदान कराए जा रहे हैं। बूथों पर मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन ध्यान ये भी रखना होगा कि 9 लगभग योगी सरकार के ऐसे मंत्री हैं जिसमें श्रीकांत शर्मा, कपिल देव अग्रवाल, सुरेश राणा जैसे तमाम नेता हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। आपको बता दें कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और यहाँ सबसे ज्यादा किसानों की नाराजगी कुछ महीने पहले तक दिखाई दे रही थी। माना जा रहा है कि इस बार भी कहीं ना कहीं बीजेपी को किसानों से नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, और जो 2017 में चुनाव हुए थे और भाजपा को प्रदर्शन रहा था, वैसा प्रदर्शन इस बार शायद भाजपा ना दोहरा पाए। लेकिन कुल मिलाकर कहे तो समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन जो है और भाजपा, इन दोनों के बीच में कड़ी चुनौती देखने को मिल रही है, कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जहां शहरी सीटों पर मतदाताओं में थोड़ा सा धीमापन दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता खुलकर बाहर आ रहे हैं, पहले वोट डाल रहे हैं और फिर कोई काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र का महापर्व है, आज इसकी शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है, खुशी है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमने कई बूथों पर लंबी कतारें देखी। हाँ, ईवीएम में दिक्कतें आई, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से दावा किया गया कि ये टेक्निकल इश्यू है और इसे तुरंत रिजॉल्व किया जा रहा है। जहां तक समाजवादी पार्टी के आरोपों का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, वो निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाती रहेगी और वो दावा करती रहेगी कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुल मिलाकर देखें तो मतदान फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और उम्मीद है कि अच्छा खासा प्रतिशत में मतदान संपन्न होगा। बिल्कुल, और हमारी भी दर्शकों से सबसे पहले यही अपील है कि वो अपने घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अंकित, सवाल ये भी है कि रालोद प्रमुख ने अभी तक मतदान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनकी पत्नी घर से बाहर निकली और जाकर उन्होंने वोट दे चुकी है, लेकिन इसको भाजपा ने बड़ा मुद्दा भी बनाया है। देखिए, जाहिर सी बात है कि आप वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करके लोगों से वोट डालने की अपील करते हैं, लोगों से अच्छे सरकार चुनने की अपील करते हैं, लोगों से विकास के मुद्दे पर वोट डालने की अपील करते हैं, लेकिन खुद ही चुनाव प्रचार की वजह से वोट नहीं डालने जाते हैं जी। अब ये भी सवाल है, क्योंकि भाजपा पूछ रही है, भाजपा के प्रवक्ता है अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि क्या रालोद ने जीत पर विचार करने को एक तरीके से त्याग दिया है, क्या रालोद प्रमुख क्यों वोट देने नहीं जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी गैर जिम्मेदारी को नहीं दिखाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जो रालोद प्रमुख हैं जयंत चौधरी, वो कहाँ के मतदाता हैं? क्योंकि कहीं खबरें हैं कि वो मथुरा के मतदाता हैं, वहीं संजीव बालियान जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं और केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने यही कहा कि हो सकता है कि वो दिल्ली के मतदाता हो, इसलिए वो वोट नहीं दे पा रहे हो, यही कारण है कि वो वोट डालने नहीं आए हैं। तो कुल मिलाकर जयंत चौधरी को लेकर सब कुछ साफ नहीं है अगर पश्चिमी उत्तर। लेकिन अंकित, जयंत चौधरी ने अपनी तरफ से यह जरूर दावा किया है कि वो पहले और दूसरे चरण के बीच में गैप कम होने की वजह से वो चुनाव प्रचार में आगे बढ़ रहे हैं, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा है और उन्होंने वोट डाल दिया है। लेकिन देखिए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हैं, आप सहारनपुर में ही हैं, आज कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अंतर हो गया था, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हैं, आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, तो आप जा सकते थे। चुनाव प्रचार कहीं भी 12-1 बजे के बाद ही शुरू होता है, लेकिन और नेताओं के पास तो अभी चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर तक रहते हैं, तो मुझे लगता है कि जयंत चौधरी को लेकर अब वो किस तरह के स्पष्टीकरण देते हैं, लेकिन सवाल जरूर उठाएगी भाजपा और इसे सियासी मुद्दा जरूर बनाएगी। अंकित, मेरा एक साधारण सा सवाल आपसे है, क्या इस चुनाव में मिथक टूटेंगे? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हस्तिनापुर से जो भी प्रत्याशी जीतता है, जिस भी पार्टी का प्रत्याशी जीतता है, उसकी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में।
देखिए, सिर्फ एक मिथक नहीं है, कई सारे मिथक है। क्या आप दोबारा भाजपा सरकार आ पाएगी, जो कि बहुत सालों से नहीं हुआ है? क्या योगी आदित्यनाथ नोएडा और बिजनौर पहुंचने वाले बहुत सालों के बाद पहले मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उनकी सत्ता बरकरार रहेगी? अब भाजपा के हिसाब से देखें तो योगी आदित्यनाथ लगातार यही जवाब देते रहते हैं कि हम तो रिकॉर्ड बनाने के लिए आए हैं और पुराने मिथक को तोड़ने के लिए ही आए हैं। अखिलेश यादव ने दाव जरूर भरा था कि नहीं, ग्रेटर नोएडा या नोएडा जो जाता है उसकी सरकार बनती है, इसलिए मैं जाऊंगा। लेकिन उनकी फिर भी हिम्मत नहीं हुई कि नोएडा के क्षेत्र में बस को एंट्री करा दे और नोएडा के क्षेत्र में वो नीचे उतर सके। तो कहीं ना कहीं मिथक एक चुनाव से लेना देना मिथकों का जरूर हो जाता है। प्रत्याशी तमाम मिथकों को देखते हैं, मानते हैं, और आज सुबह हमने देखा भी किस तरीके से सभी प्रत्याशी जो थे वो मंदिर और तमाम जो प्रार्थना स्थल है वहां जा रहे थे। तो नेता कहीं ना कहीं हर दाव पेच के साथ मिथक को भी लेकर काफी सतर्क रहते हैं, और यही कारण है कि नोएडा, बिजनौर और हस्तिनापुर की आपने बात की, तो ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो यूपी की राजनीति में पिछले कई सालों से सुर्खियों में रही हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को नतीजे किस तरह के आते हैं, क्या ये मिथक यूं ही बरकरार रहेंगे या इस पर कोई टूटने का एक तरीके से बिल्कुल सकते हैं कि बिल्कुल अंकित, इन तमाम मिथकों का जवाब तो 10 मार्च को ही मिलेगा। लेकिन हम आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बहुत साधारण से हैं कि आपको क्या लगता है कि शाम 6 बजे होते होते पिछले चुनावों के रिकॉर्ड टूटेंगे और घर से लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे ज्यादा से ज्यादा? नहीं, मुझे लगता है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ना चाहिए, और लगातार हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मतदाता सामने निकल कर आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में, खास करके नोएडा साहिबाबाद के क्षेत्र को हम देखें, तो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में अब भी मतदान सुस्त है। तो लोगों से हम अपील भी करना चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान है, और अगर ज्यादा लोग वोट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सत्तारूढ़ के लिए बड़ा, और ये कहा भी जाता है कि अगर ज्यादा लोग मतदान करने के लिए नहीं निकलते हैं तो कहीं जो एंटी इनकन्वेंसी जो होता है ना वो बहुत हावी नहीं होता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली फिजिकल रैली भी उत्तर प्रदेश में कर दी, सहारनपुर में थे, यानी कि बगल के डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए उसी क्षेत्र के कुछ डिस्ट्रिक्टों में चुनाव हो रहे हैं, जिलों में कुछ चुनाव हो रहे हैं, तो कुछ उसी उधर ही प्रधानमंत्री संबोधन करने भी पहुंच गए हैं। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है, और आज उन्होंने गन्ना किसानों पर खुलकर बात की और कई बड़े दावे किए, ऐलान किए। तो देखना दिलचस्प होगा क्या प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भी कुछ किसानों का मन बदलता है। लेकिन एक और झटका भाजपा के लिए भी माना जा सकता है कि आज जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है, यानी जेल बॉन्ड भरने के बाद वो जेल से रिहा भी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने भी बोल दिया कि प्रियंका गांधी ने भी बोल दिया कि ओम प्रकाश राजभर के भी बयान सामने आए हैं। तमाम चीजें हैं, और ये ऐसे समय में हुआ है जब पहले चरण का मतदान हो रहा है, तो कई सारे मुद्दे ऐसे आएंगे जिस पर राजनीति होगी और आने वाले दिनों में भी होगी। और सबसे बड़े राजनीति का केंद्र किसान रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो देखना दिलचस्प होगा कि आज का मुकाबला जिसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे बिल्कुल और जाना है किस करवट लेता है। लेकिन दोनों ही तरफ से, यानी कि सपा और आरएलडी गठबंधन और भाजपा की ओर से, सभी की जो कहते हैं ना कि दिल की धड़कने वो बढ़ी रहेंगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस को भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, क्योंकि पहले चरण के लिए मतदान आज हो रहे हैं और दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को मतदान होंगे, और इन दोनों चरणों में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा कवर हो जाएगा। तो आज हमारे दर्शकों से बस इतनी ही अपील है कि आने वाले दिनों में जब उनका समय आए मतदान देने का, तो वो घरों से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकले, और अपने दोस्तों, परिवार, मित्रों से भी बातचीत करें और उन्हें मतदान केंद्र तक लेकर जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, और आज भी लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों और अधिक से अधिक मतदान करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें, यानी कि मुझे, अनुराग गुप्ता और अंकित सिंह को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।